everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madhya Khan, your friend who is here to help you with your English language. So, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं जिन बच्चों से बहुत ज़्यादा impressed हूँ, आज मैं उन बच्चों को यहाँ पे shout out देने वाली हूँ, उनका नाम लेने वाली हूँ. तो दो बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया है, जिसमें से पहली बच्ची है नेहा मीना. Instagram पे cute दिशु करके idea आएगा इस उनकी. So, लिटरली उन्होंने मुझे हर होमवर्क करके दिखाया है और बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद यू गर्ल वेल डन और सेकंड है आकाश कुमार जिन्होंने बहुत परफेक्ट फॉर्मेट में बहुत परफेक्ट फ्लुएंसी के साथ मुझे अपना होमवर्क करके दिया था तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू अब आ जाओ हम स्टार्ट करते हैं आगे तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में हम देखेंगे कि रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है रिपोर्ट राइटिंग हम जो है आज स्टार्ट करने वाले हैं तो विदाउट लेट्स गेट अब रिपोर्ट राइटिंग से पहले यह चीज जानना जरूरी है कि रिपोर्ट होती क्या है है ना तो देखो रिपोर्ट क्या है और रिपोर्ट इज अ रिटर्न अकाउंट ऑफ एन इवेंट दैट हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस देखो रिपोर्ट कब लिखी जाती है जो चीज या जो भी इवेंट है या जो भी चीज है वो हो चुकी है है ना उसके ऊपर कि भाई उसमें क्या क्या हुआ किस दिन हुआ डिटेल्स क्या क्या थी सो एंड सो एंड सो ऑन चीज़ें जो होती हैं वो बताई जाती है तो रिपोर्ट किस चीज़ पे लिखी जाती है जो इवेंट जो भी चीज़ है वो ऑलरेडी हो गई है अब उस पर तुम्हें एक डिटेल्ड पूरा अकाउंट देना है क्लियर हुआ तुम्हें रिपोर्ट किस लिए लिखते हैं और क्यों लिखते हैं इट अटैम्प्टू प्रजेंट द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ऑफ एन इंसीडेंट और इवेंट लाइक एग्जिबिशंस थिएटर रैली सेमिनार ब्लड डोनेशन कैम्पेन एक्सेट्रा ठीक है तो इसमें जैसे क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं जिनके आप रिपोर्ट देते हो ब्लड डोनेशन कैंप्स हो गए और कोई सेमिनार अटेंड किया था आपने उसकी इंफॉमेसन दे रहे हो आप उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट बना रहे हो और थिएटर कोई प्ले था उसके बेसिस पे आप रिपोर्ट बना रहे हो कोई सेमिनार हुआ है कोई रैली हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो आप इस तरीके से जो है रिपोर्ट के थ्रू वो सारी इंफॉर्मेशन देते हो रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट इंक्लूड्स वंस आइडियाज ओपिनियंस एंड इम्प्रेशन अबाउट दी इवेंट ठीक है अब रिपोर्ट में क्या क्या चीजें होती है कि भाई आपको क्या अच्छा लगा आप इस पर और क्या सुझाव दे रहे हो अपना और आपने क्या फील किया है ना आपको कैसा फील हुआ ये सारी चीजें जो है आपको एक रिपोर्ट बताती क्लियर हो गया अब देखो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं जो याद होने चाहिए एक रिपोर्ट लिखते टाइम वो क्या क्या है भाई तो पहला पॉइंट क्या है मेक एन अट्रैक्टिव हेडिंग फॉर द टॉपिक ऑफ द रिपोर्ट ठीक है जो आपकी हेडिंग होनी चाहिए देखो कोई भी हो चाहे आर्टिकल लिखवा रही थी मैं चाहे नोटिस लिखवाया मैंने सब में देखो मैंने एक चीज बोली थी कि हेडिंग आपकी अट्रैक्टिव होनी चाहिए तो हेडिंग हमेशा अच्छी लिखो आई कैचिंग लिखो जिससे क्या होगा जो तुम्हारा पेपर चेक करने वाला होगा ना उसे उस चीज से पता चल जाएगा कि हाँ भाई रिपोर्ट किस बारे में है और हेडिंग के मैंने तुम्हें पहले भी बताया अलग से मार्क्स होते हैं राइट द नेम ऑफ द रिपोर्टर उसके बाद रिपोर्टर का नाम जैसे हम बाय लाइन लिखते हैं ना जैसे मैंने बताया था तुम्हें बाय और फिर अपना नेम वो सेम चीज़ यहाँ भी आएगी रिपोर्टर्स नेम अगर तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ तो तुम वो वाला नेम लिखोगे नहीं दिया तो अपना नेम लिखोगे जस्ट हेडलाइन के नीचे क्लियर फिर मैंशन द प्लेस डेट टाइम एंड अदर रेलिवेंट फैक्ट अबाउट द इवेंट सब बताना है तुम्हें कि भाई कहाँ हुआ था इवेंट किस टाइम हुआ था और जो भी उसमें डिटेल्स थी हर चीज तुम्हें मैंशन करनी है डेवलप आइडियाज़ कॉज रीजनस कॉन्सिक्वेंसिस ओपिनियंस लॉजिकली और बहुत लॉजिकली मतलब बहुत सोच समझ के अच्छा जो है तुमने तुम्हारे जो भी उस पर विचार रहे हैं तुमने उस पर जो भी सुझाव देने हैं तुम्हारे जो भी आइडियाज हैं तुम्हारे जो भी इम्प्रेशन हैं एक्सप्रेशंस हैं कि तुम्हें कैसा लगा तुमने तुम्हें जो तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन है कि तुम्हें कैसा लगा वो सारी चीज़ें तुम्हें लॉजिकली देनी है ऐसे नहीं कि बस कुछ भी दे दिया उस चीज़ से रेलिवेंट ही फैक्ट उसमें डालोगे डिस्क्राइब स्टेप्स ऑफ इंक्वायरी और है ना और जो भी मतलब अगर कोई इवेंट है जिसमें इंक्वायरीज हैं और जो भी चीजें हैं वो सारे स्टेप्स तुम अच्छे से बताओगे और किस टेंस में लिखा जाएगा ये पास टेंस में पास टेंस में क्यों क्योंकि चीज ऑलरेडी हो चुकी है अब तुम उस पर रिपोर्ट बना रहे हो तो सारी चीजें हो चुकी है इसलिए तुम कौन सा टेंस यूज करोगे रिपोर्ट में पास टेंस क्लियर हो गया समझ आ गया देख लो एक बार क्लियर हो गया ना पॉइंट्स याद रहेंगे चलो आ जाओ अब देखो मार्क्स तुम्हें किस किस चीज के मिलते हैं मार्क्स मिलते हैं तुम्हें टाइटल के तुम्हारा टाइटल अच्छा होना चाहिए है ना और रिपोर्टर्स नेम लिखना उसके मार्क्स मिलते हैं तुम्हारा कंटेंट तुम्हारी जो बॉडी है उसमें तुम क्या लिख रहे हो क्या तुम सही लिख रहे हो लॉजिकली लिख रहे हो अच्छे से लिख रहे हो वो सारी चीज़ों के मार्क्स होते हो तो तुम्हारा एक्सप्रेशन कि तुम कितना एक्यूरेट लिख रहे हो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं हो रही हैं तुम्हारी कोई तुम दूसरी मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो और फ्लुएंसी कि तुम कितना अच्छा फ्लुएंटली वो चीज़ लिख रहे हो तो इन चीज़ों के मार्क्स होते हैं राइटिंग सेक्शन में हर बार हर बार इन चीज़ों के मार्क्स मिलते हैं तुम्हें तो इन पर ध्यान देना और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे नो no डाउट थोड़ा सा बस मेहनत करनी है आ जाएंगे क्लियर हो गया मार्क्स कैसे मिलने अब क्या आएगा अब आएगी हमारे फॉर्मेट की बारी देखो फॉर्मेट कैसा होता है इसका वो देख लो अब रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट देखना है तुम्हें तो पहले देखो क्या होता है टाइटल टाइटल ब्लॉक लेटर्स में लिख दो अंडरलाइन कर दो है ना तो तुम्हारा क्या हो जाएगा आई कैचिंग हो जाएगा इससे ज्यादा ऑब्वियसली तुम बोर्ड के पेपर में नहीं कर सकते है ना फालतू के कलर पेन ज्यादा मत यूज़ करना है ना बस अच्छे से उसको बोल्ड लेटर में लिख दो ब्लैक मतलब कैपिटल और बोल्ड लिख दो डार्क लिख दो और अंडरलाइन करना है तो कर दो वरना वो भी नीट नहीं है बस अलग से दिखना चाहिए ऐसा उसको कर दो कहाँ आएगा मिडल में आएगा बिल्कुल बीच में आएगा क्लियर टाइटल आ गया अब क्या आएगा रिपोर्टर का नेम रिपोर्टर का नेम कैसे आएगा बाय लिख के है ना और फिर नेम ठीक है बाय लिख के फिर नेम अगर तुम्हें दिया हुआ है क्वेश्चन में नेम दिया है तो वो नाम लिखोगे नहीं दिया तुम्हारा नाम लिखोगे फिर अगर तो तुम्हें उसके नीचे स्कूल वगैरह दिया हुआ है तो तुम्हें का नाम उसके वाली में। है ना? मतलब कोई डेजिग्नेशन भी दिया हुआ है अगर तुम्हें कोई डेजिग्नेशन दिया हुआ है तो किस तरीके से लिखोगे पहले देखो अगर सिर्फ नेम और स्कूल दिया तो तुमने पहले अपना नेम डाला बाय करके है ना और स्कूल लिख दिया

सारे क्वेश्चंस के इस तरीके से तुम उसमें आंसर दोगे तो तुम्हें फॉर्मेट समझ आ गया फॉर्मेट में पहले तुम्हें लिखना है टाइटल टाइटल कैसे लिखना है ब्लॉक लेटर्स में लिखना है डार्क लिखना है और मिडिल में लिखा जाएगा क्लियर फिर तुम्हारे रिपोर्टर्स नेम बाय लिख के तुम्हारा नाम क्वेश्चन में दिया है वो वाला नहीं दिया तुम्हारा डेजिग्नेशन है तो उसके नीचे डेजिग्नेशन और स्कूल दिया है तो उसके नीचे स्कूल क्लियर फिर उसके बाद तुम्हारा डेट और प्लेस मतलब तुम्हारी ये जो ये पूरी है पूरी बॉडी है है तुम्हारी पूरी बॉडी है बॉडी में तुम्हें स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन में क्या लिखना है डेट लिखनी है और क्या लिखना है प्लेस लिखनी है जगह लिखनी है क्लियर वो लिखने के बाद तुम्हारा कंटेंट जो है वो पूरा शुरू हो जाएगा कि तुमने उसमें बताना है कि भाई इवेंट हुआ था इवेंट कब हुआ था उसमें क्या क्या हुआ कैसे हुआ ये सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे इस इसमें क्या ओपिनियंस है तुम इसमें क्या कहना चाहते हो वो सारी चीजें डाल के उसको तुम्हें वहां खत्म कर देना इस तरीके से हम जो है एक रिपोर्ट लिखते हैं क्लियर हो गया ये चीज है ना अब आओ एक एग्जांपल से समझाती हूँ तुम्हें तो उससे और क्लियर हो जाएगा देखो अब है ना तुम्हें दिया हुआ है कि भाई तुम्हें किस पे लिखना है स्टूडेंट सर्विस पे लिखना है ठीक कि है कि किन के लिए ऐसे व्यक्तियों के लिए जिन्होंने अभी क्या हुआ कुछ टाइम पहले जिन्होंने अपनी जान गवा दी आग में ऐसे लोगों के लिए तुम्हें क्या करना है एक रिपोर्ट लिखनी है तुम तो मतलब जैसे वहाँ गए कहाँ गए एक ऐसी जगह गए जहां पर क्या हुआ था आग लग गई थी आग लगने से क्या हुआ वहां पे बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गवा दी तो उसमें जो भी डिटेल्स है वो तुम्हें डालनी तो तुम किस तरीके से करोगे पहले उसकी क्या दोगे हेडिंग हेडिंग कैसे दी तुमने स्टूडेंट सर्विस टू विक्टिम्स ऑफ फायर है ना विक्टिम्स ऑफ फायर जो बिचारे उस आग में जल गए है ना वो वाले लोग विक्टिम्स वो होते हैं ना जो जिनके साथ हुआ गलत हुआ वो वाले लोग ठीक है तो विक्टिम्स ऑफ ऑफ फायर फायर स्टूडेंट्स विक्टिम ये वाली चीज तुमने लिखी है तुम्हारी हो गई हेडिंग टाइटल आ गया टाइटल आने के बाद क्या आएगी बायलाइन लाइन आती है कैसे School, है ना? देखो पे नहीं, लेकिन उसके स्कूल का नाम है, तो मैंने उसके स्कूल का नाम डाल दिया एल एम जीन स्कूल आगे समझ में ये चीज है ना ये ऐसे लिख दो तुम्हारे नंबर यहाँ आ गए पहली चीज में समझ आया बाई लाइन उसके स्कूल का नाम नीचे क्लियर हो गया अब आ जाओ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पे ठीक है ये है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ मतलब ये पैराग्राफ है पूरा ये पूरा क्या है तुम्हारा कंटेंट है है ना पूरा ही तुम्हारा कंटेंट है लेकिन कैसे स्टार्ट करोगे वो देखो उसमें पहले इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ आएगा कैसे आया मैंने डाल दी डेट है ना और प्लेस डाल दी साथ में डेट और प्लेस ही बोला था मैंने कंटेंट में पहली चीज क्या आएगी फर्स्ट लाइन में डेट डाल दी तुमने कुछ भी डाल दी चलो यहाँ मैंने फोर्टीन ऑफ फेबर डाल दी है ना और अ मेजर इस्लाम एरिया इन विलास नगर यहाँ पे मैंने क्या किया प्लेस डाल दी यहाँ प्लेस डाल दी और ये आ गई मेरी डेट है ना तो अब मैं क्या बोल रही हूँ अ मेजर एरिया इन विलास नगर वॉज गटेड बाय अ मासिफ फायर ऑन टेंथ फेबर टू थाउजेंड जो भी है ट्वेंटी टू ले लो है ना तो जैसे क्या हुआ कि भाई दस तारीख को एक स्लाम एरिया है इस्लाम एरिया है, कैसी जगह होती है सीवेज फैसिलिटी नहीं होती फैसिलिटी नहीं, नहीं मिलती बस वो टेंट लगा के अपने घर बना लेते हैं ना टेम्प्ररी घर बना लेते हैं तो ऐसा एरिया उसका मैंने प्लेस दे दी कहा है विलास नगर में एक ऐसा स्लम एरिया है जिसमें दस फेबर को आग लग गई थी देखो कब लिख रहे है? रिपोर्ट कब लिखी गई है चौदह को मतलब चार दिन बाद तो चीज क्या हो गई पहले हुई है तभी रिपोर्ट लिखोगे ना तो थोड़ी आगे की डेट मतलब थोड़ी पहले की डेट डालना उससे तीन चार दिन पहले की डेट डालना अगर तुम्हें कोई डेट दी हुई है तो फिर क्या करोगे क्या करोगे तुमने पहले बता दिया कि भाई वहां पे क्या हुआ हैपेंड है ना डेट और प्लेस डालने के बाद क्या आएगा वॉट हैपेंड वॉट हैपेंड वहा क्या हुआ तो वहाँ क्या हुआ बहुत आग लग गई गटेड विद ना ऑन टेंथ फेब्रवरी 2022 ले लो तो देखो यहां पे क्या हुआ डेट प्लेस आ गई फिर मैंने क्या डाला वॉट हैपेंड मतलब क्या हुआ है ना फिर कब हुआ तो यहां पे मैंने क्या डाला है वेन समझ रहे हो चीज क्या बोल रही हूँ मैं पहले डेट किस चीज की आएगी जिस दिन तुम रिपोर्ट लिख रहे हो है ना और ये वाली डेट रिपोर्ट में जो आएगी वो कब की आएगी जिस दिन काम ये चीज हुई है ना तो यहाँ तो तुमने डेट किस चीज की डाली है जब तुमने रिपोर्ट लिखी है रिपोर्ट बना रहे हो वो डेट आएगी और यहाँ पे डेट वो आएगी कि भाई उस एरिया में जो पास्ट में जो काम हो गया है वो वाली डेट आएगी क्लियर तो मैंने दे दिया यहाँ वॉट हैपेंड क्या हुआ वेन का आंसर दे दिया कब हुआ भाई दस फेबर को हुआ द फायर हु नॉट वेरी क्लियर कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी है ना अब हाओ हाओ है ना कैसे हुआ तो भाई वो जो फायर लगने का आग लगने का जो कारण था वो अभी नहीं पता चल पाया है लेकिन उससे बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है किस चीज का जान का भी और प्रॉपर्टी का भी जगह का भी है ना क्लियर फिर अब आ जाओ डिटेल्स में देखो ये पूरा ही तुम्हारा कंटेंट चला लेकिन तुम्हें कंटेंट कैसे स्टार्ट करना है वो चीज मैंने बता दी अब डिटेल्स देने की भाई वहां क्या-क्या हुआ 10 persons lost their life दस लोगों की जान चले गई थी many were injured and about 200 people were rendered homeless है ना तो तुमने डिटेल में क्या दिया कि भाई दस लोग तो मर गए बहुत सारे लोग घायल हो गए और कम से कम 200 लोगों ने अपना घर खो दिया बेघर हो गए वो होमलेस हो गए स्कूल एंड रिलीफ टू विक्टिम्स क्योंकि देखो तुम स्टूडेंट सर्विस की बात हुई है ना यहाँ पे कि स्कूल के बच्चे हैं जो वहां गए हैं है ना रिपोर्ट तैयार करने और उनकी मदद करने है ना सर्विसेज देने उनकी मदद करने तो आप ऑब्वियसली तुम अपने स्कूल की बात बताओगे कि भाई the the packets, clothes, utensils, तो हमारे बच्चे हैं वो जो है क्या क्या चीजें लेके गए उनके लिए उन्होंने किस किस तरीके से हेल्प की दवाइया लेके गए उनके लिए कपड़े लेके गए खाना लेके गए और कुछ बर्तन वगैरह जो भी मतलब हेल्प हो सकती मर्जी से भी लिख सकते हो है ना तुम अपनी मर्जी से लिखो कि भाई किस किस तरीके से उनकी हेल्प हो सकती है तुम्हारे ऊपर है बिल्कुल तुम्हारे ऊपर है ना भाई कपड़े लेके गए गद्दा बिस्तर चादरें लेके जो तुम लिखना चाहो जिस तरीके से उनकी मदद कर होती है हो सकती है वो तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू दीज होमलेस एंड हेल्पलेस पीपल इसलिए लेके गए कि भाई इन लोगों में बांट सके जो बेचारे कैसे हो गए बेघर हो गए और परेशान है मदद नहीं कर रहा कोई इनकी Ten students and three teachers personally visited this slum area to ensure proper and fair distribution of the item. अब तुमने ये बता दिया कि भाई कितने properly कितने बच्चे और कितने teachers गए थे तो भाई दस बच्चे गए थे दस students गए थे और तीन teachers गए थे जो वो वहां पर जाके उन्होंने सब चीजें analyze करी है and fair distribution of the items that had been collected एंड दस प्रोवाइडेड समीफ टू दीज अनफॉर्चुनेट पीपल इन दाइस तो ये जो दस स्टूडेंटी तो टीचर गए थे ये किस लिए गए थे कि भाई उन्हें जो है थोड़ी सिंपत्ति दे सके और ये जो सारा जो बच्चों ने कलेक्ट किया था अपने घरों से सामान वो सारा सामान उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके जिससे उनकी जो अभाग्य लोग हैं इनकी कुछ मदद हो सके इनकी प्रॉब्लम में क्लियर इस तरीके से तुमने लिखना है एक रिपोर्ट बना दी पूरी डिटेल दे दी तुमने पहले तुमने क्या डिटेल डाली कि भाई वहां पर जो है क्या क्या चीज़ हुई है ना वहां पर क्या क्या चीज़ हुई भाई दस लोगों ने जान खो दी दो सौ लोगों ने घर खो दिया बहुत से लोग जो है इंजर्ड हो गए घायल हो गए फिर आप रिपोर्ट बनाई है तो रिपोर्ट बनाने के लिए कौन गया वहाँ पे तो तुमने बताया कि भाई हमारे स्कूल ने सर्विस प्रोवाइड की वहाँ पर इतने बच्चे गए थे इतने टीचर्स गए थे और पूरे स्कूल के बच्चों ने जो है ये ये सामान कलेक्ट किया था फिर वहाँ पे उन उन्होंने जाके वहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया उनको जो है थोड़ी सी सहानुभूति दी और इस तरीके से बस तुम्हें अपना अब रिपोर्ट जो है यहां पर फिनिश करनी इतनी सिंपल है फॉर्मेट याद रखो आराम से हो जाएगा क्लियर हो गई चीज इस तरीके से तुम जो है लिखते हो देख लो एक बार चले आगे चलो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन जो है मैं हमेशा तुम्हें वही वाले करा रही हूँ राइटिंग सेक्शन में जो आ चुके हैं है ना जो आ चुके हैं क्वेश्चंस वही क्वेश्चन में करा रही हूं तो अच्छे से देख लो यू आर रमेश और रानी देखो तुम्हें नाम दिया हुआ है तो तुम्हें अपना नाम नहीं डालना यही नाम डालोगे स्पोर्ट सेक्रेटरी है ना डेजिग्नेशन दे दिया तो डेजिग्नेशन डालोगे गवर्नमेंट सीनियर स्कूल स्कूल दिया हुआ है चंडीगढ़ लास्ट मंडे एंड इंटरनेशनल स्कूल ट्वेंटी ओवर क्रिकेट मैच वॉज प्लेड ऑन योर स्कूल ग्राउंड है ना आप तुम्हें किस चीज़ पर रिपोर्ट बनानी है कि भाई पिछले मंडे एक बीस ओवर का क्रिकेट मैच जो है खेला गया तुम्हारे स्कूल ग्राउंड पे राइट अ रिपोर्ट इन हंड्रेड टू वन वर्ड्स फाइव ऑन दी मैच है ना और कितने सिर्फ सौ से एक सौ पच्चीस वर्ड की तुम्हें रिपोर्ट बनानी इससे ज्यादा नहीं बनानी तो तुमने क्या किया पहले हेडिंग डाल दी ये थोड़ा सा ना टाइप हो गया ये भी देखो ये पूरा कैपिटल आएगा ना ये जो है यहां पर आएगा पूरा ओवर क्रिकेट मैच ठीक है ना ये यहां आएगा तो रमेश कहाँ चले जाएगा यहां पर बाय रमेश और उसके नीचे क्या आएगी ये वाली डिटेल्स ठीक है थोड़ा सा मिस्टाइप हो गया है मुझसे सॉरी फॉर दैट ठीक है बट समझ आ गया ना तुम्हें क्या किया तुमने पहले तुमने पूरी हेडिंग डाल दी टाइटल डाल दिया इंटर स्कूल ट्वेंटी ओवर क्रिकेट मैच बाय रमेश डाल दिया है ना और उसके नीचे उसका डेजिग्नेशन डाल दिया डेजिग्नेशन क्या है उसका भाई स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है वो ठीक है ये डालने के बाद अब तुमने क्या डालनी है डेट और प्लेस है ना ये डालने के बाद क्या डालनी है डेट और प्लेस तो डेट डाल दी मैंने आज की ट्वेंटी दिसंबर और स्कूल डाल दिया प्लेस कौन सी थी उनके स्कूल में ही हुआ था तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंडीगढ़ पूरी तुमने क्या करनी है प्लेस डाल देनी है फिर उसके बाद अब ये वाली वाली लाइन लाइन डाल डाल दो दो पे पूरी पूरी है ना पूरी डाल दो ये वाली। यहां तक की लास्ट मंडे एन इंटरनेशनल स्कूल ट्वेंटी ओवर क्रिकेट मैच प्लेड इन स्कूल ग्राउंड है ना अब यहाँ पे देखो योर क्या हो जाएगा आवर है ना क्योंकि तुमसे बोला गया तो आप जब तुम लिखोगे तो तुम आवर करके लिखोगे ना कि हमारा है ना तुमने वो लाइन डाली फिर बिटवीन केंद्र विद्यालय सेक्टर फोर एंड सेंट्रल स्कूल सेक्टर थर्टी सेवन कोई भी दो स्कूल के नाम डाल दो तुम्हारे हिसाब से जो तुम्हें सही लगे डी ए वी और केंद्र विद्यालय डाल दिया जो तुम्हें सही लगे वो दो नाम डाल दो स्कूल के क्योंकि यहाँ तुम्हें पर्टिकुलरली मेंशन नहीं करे गए स्कूल के नाम है ना तो तुम अपनी मर्जी से डाल देना दोनों नाम स्कूल के भाई इन दोनों स्कूल के मैच हुए थे कहा हमारे स्कूल ग्राउंड पर पिछले मंडे क्लियर इतनी चीज अब इट वाज वन ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग मैच दैट वी ऑल द विनर वाज डिसाइडेड ओनली आफ्टर द लास्ट बॉल ऑफ द मैच हैड बीन बाउल्ड अब यहाँ पे तुमने क्या बताया कि भाई कैसा था मैच और हमें कैसा लगा है ना तो तुमने व्हाट हैपन दे दिया ये जो तुम्हारा ये जो लास्ट लाइन ये वाली जो चीज है ना ये तुम्हारा क्या था व्हाट हैपन ही था है है ना ना और और ये place और ये प्लेस डेट फिर इसमें क्या हुआ यहां से तुमने डिटेल देना शुरू कर दी ठीक है इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग मैच दैट वी ऑल हैड सीन इतना ज्यादा थ्रिलिंग था वो मैच मतलब तो इतना ज्यादा सस्पेंस वाला इतना ज्यादा एक्साइटमेंट था उस मैच में जो हमने कभी पहले देखा ना ऐसा, been, हो ऐसा द द विनर डिसाइडेड ओनली आफ्टर लास्ट रहा था कि यार अब कौन जीतेगा कौन जीतेगा दोनों इतने तो अच्छे से खेल रहे हैं लेकिन विनर तो लास्ट बॉल जब होगी तो ही डिसाइड हुआ केंद्रीय विद्यालय वॉन द टॉस एंड चोस टू बैट अब यहाँ से तुमने क्या किया आगे अब क्या डिटेल्स आई वो डालने शुरू कर दी कि भाई केंद्र विद्यालय ने टॉस जीता और उन्हें बैटिंग चूज की टारगेट ऑफ वन थर्टी रन इन ट्वेंटी ओवर फॉर द ऑपोजिशन टीम उन्होंने कितने रन बनाए एक सौ तीन रन बनाए तीस रन बनाए बीस ओवर में है ना और इन द लास्ट बॉल ऑफ द मैच बाय हिटिंग अ बाउंड्री विस्टुक देयर स्कोर टू वन रन्स ठीक है तो कौन जीता सेंट्रल स्कूल जीता क्योंकि केंद्र विद्यालय ने कितने रन बनाए 130 लेकिन दूसरे स्कूल ने कितने रन बनाए बाउंड्री मार के 131 रन बनाए सेंट्रल स्कूल हैड टू मेक 10 रन्स इन द लास्ट टू बॉल्स इन ऑर्डर टू विन है ना देर स्टार बैट्समैन एबीसी कुछ भी लिख दो है ना स्टार बैट्समैन में अपना नाम लिख देना क्या जाता है, है ना Scored a a six followed by a fantastic boundary to take his team to victory. तो ये कैसे हुआ कि भाई जो है उनको 10 रन चाहिए थे तो उनका जो स्टार जो भी था प्लेयर उसने क्या किया भाई लास्ट के दो बॉल्स में क्या करे दो छक्के मार दिए है ना इस तरीके से उसने अपनी टीम को जिताया इट वॉज अ ग्रेट मैच विद बाइटिंग फिनिश इन ऑल द स्पेक्टेटर्स प्रेजेंट देर थ्रूली इंजॉयड वॉचिंग इट तो ये गेम कैसा था भाई नेल biting था मतलब टक्कर का गेम था यहाँ पर और जो सब जो भी लोग बैठे थे उन्होंने इस गेम को बहुत इन्जॉय किया तो इस तरीके से जो है तुम सारी डिटेल्स देकर अपनी मर्जी से अपने हिसाब से दो कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें तो लिखना है इससे छोटा भी लिख सकते हो है ना ज़्यादा फालतू तो की डिटेल्स ना ऐड करके लेकिन हाँ अगर तुम्हें वर्डिंग्स दी तो एटलीस्ट उतना तो लिखना है ना 100 से 125 का तो लिखना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें ऊपर मेंशन किया गया जो डिटेल्स नहीं मेंशन की गई हैं वो तुम डालोगे लेकिन रेलेवेंट होनी चाहिए तुम्हारी हेडिंग से ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दिया उठा के नहीं बिल्कुल रिलेट करनी चाहिए तुम्हारी हेडिंग से वो चीज क्लियर हो गया है ना आ जाओ नेक्स्ट अमेजर बस मिस अ मेजर बस लेफ्ट सेवरल पीपल सीरियसली इंजर्ड प्लेस एट निकोलस रोड बस निकोल हो गया टाइटल प्लेस कहा की है निकोलस रोड नंगाम बक्कम चेन्नई है ना चेन्नई में है लकीली नो लाइफ वाज लॉस्ट है ना इंजर्ड हुए है लोग ठीक है घायल हुए हैं लेकिन लकीली जो है किसी की डेथ नहीं हुई है कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द आई विटनेस एंड सेंड इन रिपोर्ट इन हंड्रेड टू टी फाइव होता हुआ देखा है है ना फर्स्ट हैंड बोला था ना मैंने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन तो जिसने एक्सीडेंट होता हुआ देखा है वो उससे तुम जो है सारी डिटेल्स कलेक्ट करो और एक रिपोर्ट बनाओ सौ से एक सौ पच्चीस वर्ड्स के बीच तो तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर प्लेस दी हुई है हुआ क्या है वो दिया हुआ है और थोड़ी बहुत डिटेल्स भी दी हुई है वो सारी मिला के अब तुम्हें बाकी डिटेल्स जो आई विटनेस है उससे कलेक्ट करके एक सौ से एक सौ पच्चीस वर्ड का क्या बनाना है रिपोर्ट बनानी तो अब तुमने पहले हेडिंग डाल दी बस मिस है बाय विनोद और ठीक है देखो एक चीज और देखो मैं बताना भूल गई तुम्हें तुम यहाँ भी लिख सकते हो कॉमा डाल के डेजिग्नेशन तुम साथ में भी लिख सकते हो उसको यहाँ पे भी ठीक कर लो ठीक है डेजिग्नेशन तुम नेम के साथ कॉमा डाल के भी लिख सकते हो और ये भी दोनों करेक्ट है ऐसा नहीं कि वो रॉन्ग है दोनों करेक्ट है ये वाला करोगे तो भी करेक्ट है ये वाला करोगे तो भी करेक्ट है कंफ्यूज मत होना है ना दोनों करेक्ट है ये भी करेक्ट है और वो भी करेक्ट है तो तुम्हें जो इजी लगे वो वाला तुम कर सकते हो नो डाउट ठीक है

Clear? Where? फिर वेन एट अबाउट टेन ए एम तो ये क्या हो गया तुम्हारा वैन है ना चलो मैं इसको अलग अलग मार्कर से कर देती ताकि तुम्हें इजी रहे ये हो गया तुम्हारा वेयर ये हो गया तुम्हारा वैन ठीक है फिर इट रिजल्टेड इन सीरियस अब यहां से तुमने डिटेल्स देना शुरू कर दी जब तुम वेयर वैन ये सारी चीजें बता दोगे तो तुम आप डिटेल्स दोगे डायरेक्टली कि इट रिजल्टेड इन सीरियस इंजरीज टू ऑलमोस्ट ट्वेल्व ऑफ द ट्वेंटी फाइव पैसेंजर्स ठीक है यहाँ पे तुम्हें बोला था कि सीरियसली इंजर्ड है तो तुमने वो चीज पुट करी कि भाई उसमें क्या हुआ उस मिसहेप से क्या हुआ उस एक्सीडेंट से क्या हुआ कि भाई बारह लोग घायल हो गए टोटल कितने लोग थे पच्चीस ये तुमने अपनी मर्जी से लिखा तुम अपनी मर्जी से यहाँ पे लिख देना भाई दस लोग हो गए बारह लोग में से पच्चीस लोग में से वो तुम लिख सकते हो ठीक है फिर क्या हुआ लकीली दो यहांजरी घायल हुए लेकिन किसी की जान नहीं गई फिर क्या हाउ दाई स्पीडिंग बस ओवरटर्न अब तुम्हें बोला गया किस से डिटेल्स कलेक्ट करो तो आई विटनेस ने क्या बताया कि भाई हाउ द हाई स्पीड बस ओवर टर्न वेन इट टूक शार्प टर्न इन एन अटेम्प्टवरटेक विध ट्रक वॉज कमिंग इन द रोंग डायरेक्शन स्पीड में आ रही थी और क्या हुआ एकदम उसने जो है शार्प टर्न लिया जिसकी वजह से वो पलट गई क्यों क्योंकि सामने से एक ट्रक आ रहा था जो रॉन्ग साइड से आ रहा था मतलब गलती किसकी थी सामने ट्रक वाले की बस की भी गलती थी कितनी हाई स्पीड में क्यों चल रही थी है ना तो गलती दोनों की थी ट्रक की क्या गलती हुई कि वो रॉन्ग साइड से सा आ रहा था और बस की गलती थी कि वो बहुत स्पीड में चल रही थी जिसकी वजह से उसने जैसे ही सडन टर्न लिया तो बस जो है पलट गई बैलेंस उसका खराब हो गया ये डिटेल्स किसने दी भाई जिसने ये देखा सब एक्सीडेंट वहां देखा उसने दी द ऑथॉरिटीज है ट्रक ड्राइवर फॉर इज नेग्लिजेंस ठीक है अब ये लाइन तुम्हारे ऊपर है तुम्हें अगर डालनी है कि नहीं डालनी की अथॉरिटीज ने जो है ट्रक ड्राइवर को अरेस्ट किया है ना फिर बस ड्राइवर कुड नॉट बी टेकन इन टू कस्टडी फॉर ओवर स्पीडिंग एज ही इज एडमिटेड इनपिटल विदा मैंने बताया कि गलती दोनों की थी तो ट्रक ड्राइवर था उसको तो कस्टडी में ले लिया था लेकिन बस ड्राइवर को जो है अरेस्ट क्यों नहीं कर पाए थे क्योंकि वो क्या था इंजर्ड था और हॉस्पिटल में एडमिट था द स्टेट गवर्नमेंट है कम्पनसेशन ऑफ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फॉर दोस्ट सीरियसली इंजर्ड टोज इंजरीज आर नॉट वेरी सीरियस जो बेचारे बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए हो गए थे उनके लिए गवर्नमेंट ने पच्चीस हजार रुपए का कॉम्पनसेशन रखा मतलब उनको पच्चीस हजार रुपए मिलेंगे और जो ठीक थे मतलब ज्यादा चोटे नहीं लगी थी उनके लिए कितने का कॉम्पनसेशन था दस हजार रुपए का कॉम्पनसेशन था स्टेट लेवल इंक्वायरी ऑर्डर भाई कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो स्टेट लेवल जो है यहाँ पे इंटरोगेशन भी होगा क्लियर इस तरीके से तुम एक रिपोर्ट लिखते हो ले लो अगर स्क्रीन लेना है तुम्हें ले लो क्लियर इस तरीके से तुम्हें डिटेल्स डालनी सारी चीजें पॉइंट मतलब स्टेप वाइज करो हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है अब क्या है यू विजिटेड जॉब फेयर ऑर्गेनाइज बाय एबिलिटी फाउंडेशन एट चेन्नई रिसेंटली है ना क्या है एक जॉब फेयर है ऑर्गेनाइज बाय एबिलिटी फाउंडेशन एट चेन्नाई रिसेव कंपनी फ्रॉम वेरियस सेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिकॉब फॉर द फाइनल इटूडेंट्स ऑफ कॉलेजेस है ना अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई जो है ना एक फेयर लगाता है कैसा फेयर होता है ना ऐसा मेला उस तरीके की एग्जीबिशन थी जिसमें जॉब वगैरह की चल रही थी वैकेंसीज और ऐसे कम से कम पचप पचपन पच, पच कंपनीज कम, थी जो क्या कर रही थी जॉब ऑफर कर रही थी ठीक है और क्या था यहाँ पर कि तुम्हें अब क्या करनी है इस पर एक रिपोर्ट बनानी है जो भी तुमने देखा उस पर तुम्हें एक रिपोर्ट बनानी है तो तुमने क्या किया यहाँ पे ग्रेड अपॉर्चुनिटीज डालकर किन के लिए डाला फॉर यंग स्टूडेंट्स है ना फाइनल ईयर स्टूडेंट्स फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स यंग ही होते हैं जवान ही होते हैं तो तुमने क्या डाला कि भाई ग्रेट जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं किन के लिए हैं यंग स्टूडेंट के लिए हैं कौन लिख रहा है बाय प्रिया कौन है स्टाफ रिपोर्टर है और तुम्हें यहाँ पे अब देखो उसका वो भी दिया हुआ है कि भाई कहाँ की है तो डेकिंग टाइम्स की है तो तुमने वो चीज़ भी डाल दी ठीक है डेजिग्नेशन के साथ प्लेस भी डाल दी जो मैंने तुम्हें बताया था डेजिग्नेशन और स्कूल अगर है तो स्कूल डालोगे या जो भी तुम्हारी कंपनी वो डाल दो क्लियर यहाँ तुम्हारे नंबर हो गए आप डेट और प्लेस डाल दी ये मैंने डाल दी यहाँ डेट 20 दिसंबर 2022 द एबिलिटी फोरम ऑर्गेनाइजर जॉब फेयर इन चेन्नई फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ठीक है कहाँ पे चेन्नई में ये आ गई तुम्हारी प्लेस फाइनल स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेजेस द फेयर विटनेस एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स फ्राम जॉब सीकर फ्राम अक्रॉस दी रीजन तो वो जो फेयर लगा था ना उसमें जो है क्या हुआ कि भाई बहुत सारे बहुत भारी अमाउंट में जो है जॉब जॉब सीकर मतलब जिनको की नीड है और भी दूसरे लोग बहुत भारी तादाद में वहां आए थे द टू डे कंपनीज वेरियस सेक्टर्स फिर ये पूरी इंफॉर्मेशन डाल देना ये वाली पूरी ये वाली इंफॉर्मेशन डाल देना यहाँ तक वाली कि भाई दो दिन का इवेंट था वो तुमने अपनी मर्जी से डाला कि दो दिन का था तीन दिन का था या सिंगल एक दिन का था उस इवेंट में कितनी पचपन कंपनीज थी जो जॉब्स दे रही थी जो अलग अलग सेक्टर्स की थी जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की थी टेलीकम्युनिकेशन ऑफरिंग जॉब्स टू दीज स्टूडेंट्स है ना इट वॉज रियली अ ग्रेट इंसेंटिव फॉर दीज फ्रेश ग्रेजुएट्स टू बी ऑफर जॉब्स लिटरली ऑन अ प्लेटर मतलब ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इन यंग बच्चों के लिए जो बस ग्रेजुएट होने वाले हैं तो एक तरीके से ये चीज क्या थी उनके लिए थाली में परोसी गई जॉब्स थी दिस इज श्योरली टू मोटिवेट अदर अंडर ग्रेजुएट टू अटेंड एवरी ईयर और अगर जैसे इनमें से जॉब लग जाती है बहुत की तो अब जो इनके प्रीवियस सॉरी इनसे पहले वाले जो हैं अब जो आने वाले हैं तो थर्ड ईयर में जब वो आएंगे फाइनल ईयर में तो वो क्या होंगे मोटिवेट होंगे कि हाँ भाई हमें भी जो जॉब मिल सकती है और हम भी यहाँ पर जाएंगे उट्सर तब यहाँ की लगने चाहिए इनसे क्या होगा कि वो बच्चे जो जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं वो आराम से जॉब अपनी आ सकते हैं ठीक है इस तरीके से तुमने तो एक रिपोर्ट लिखनी है क्लियर अब होमवर्क योर स्कूल कंडक्टेड अ सेमिनार ऑन हाउ टू प्रिवेंट क्रुअल्टी टूवर्ड्स एनिमल ठीक है अब हमारे स्कूल में क्या हुआ तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ कि भाई एक सेमिनार हुआ किस पे कि भाई जो जानवर है ना उनके साथ अच्छे से तरह उनके साथ जो क्रुअलिटी होती है जो भी होता है मारते उन्हें जो भी होता है ना आजकल बहुत हो रहा है ये चीज ना इस चीज पे तुम्हें एक रिपोर्ट लिखनी है पार्टिसिपेट किया एस कॉर्डिनेटर ऑफ द प्रोग्राम ठीक है कि तुम क्या हो कॉर्डिनेटर हो ऑफ द प्रोग्राम है जनरली रिपोर्ट है विधि नाम भी दे रखा है मैंने ऑफ सी पी एस सीनियर सेकेंडरी स्कूल बैंगलुरु प्लेस भी दे दी है डेट तुम डालोगे है ना और व्हाट हैपन्ड ऑलरेडी मैंने बता रखा है सेमिनार है उसके बारे में बाकी डिटेल्स तुम डालोगे बस तुम्हें इतना काम करना है फॉर्मेट का ध्यान रख के। क्लियर इसके साथ ये वाली क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ बाय बाय अ नाइस डे